हेलो दोस्तों, नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 10 लेकर आया हूं, जो कि CHO और RRB के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही इसके जो क्वेश्चंस है वो जिपमर के लिए भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चूज़ किए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, द फॉलोइंग आर एब्जॉर्बेबल सूचर एक्सेप्ट। ऑप्शन ए कैटगट, ऑप्शन बी वाइक्रेल, ऑप्शन सी नाइलॉन, ऑप्शन डी मोनोक्रिल। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अपना आंसर ज़रूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज फिफ्थ डिजीज। फिफ्थ डिजीज कौन सी बीमारी को बोला जाता है? ऑप्शन ए टेटेनस नियोनेटर्म, ऑप्शन बी वूपिंग कफ, ऑप्शन सी इरिदमा इन्फेक्टोसम, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इरिदमा इन्फेक्टोसम। फिफ्थ डिजीज आल्सो कॉल्ड इरिदमा इन्फेक्टोसम इज ए माइल्ड वायरल इलनेस that most commonly affect children. It is called fifth disease because it is fifth of five viral rash disease of childhood. The other four being measles, rubella, chickenpox and roseola. All of the following complications are seen after MI except. MI के बाद में कौन सा complication इनमें से नहीं मिलता है? Option A, life threatening arrhythmia. Option B, ventricular aneurysm. Option C, heart failure. Option D, anaphylactic shock. Right answer option D, anaphylactic shock MI का complication नहीं है। All of the following drug have show mortality benefit in the management of CHF except. Option A diuretics, option B ACE inhibitors, option C beta blockers, option D ARBs. Option A diuretics. Optimum time to start weaning. Option A 3 month, option B 6 month, option C 9 month, option D 8 birth. ऑप्शन बी 6 मंथ। 6 मंथ के बाद विनिंग चालू कर दिया जाता है। पेपिलरी मसल्स आर फाउंड इन। ऑप्शन ए थायराइड टिश्यू, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी किडनी। राइट आंसर ऑप्शन बी हार्ट। हार्ट में पेपिलरी मसल्स पाई जाती है। Which of the following set is the evidence of evolution? Option A homologous and vestigial organs, option B analogous and vestigial organs, option C homologous and analogous organs, option D all of the above. Right answer A option A homologous and vestigial organs. Digoxin is contraindicated when heart rate is less than 60 per minute because of its option A positive chronotropic action, option B negative inotropic action, option C negative chronotropic action, option D positive lonotropic action. Right answer option C negative chronotropic action. डिजोक्सिन का जो यूज़ है, डिजोक्सिन इज़ यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर पेशेंट में डिजोक्सिन यूज ली जाती है, यूजुअली लॉन्ग विद अदर मेडिसिन। ऑल्सो यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप्स ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट सच एज क्रॉनिक आर्टेरियल फिब्रिलेशन। ट्रीटिंग हार्ट फेलियर में हेल्प मेंटेन योर एबिलिटी टू वॉक एंड एक्सरसाइज एंड में इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ योर हार्ट। जो डिजेक्शन टेबलेट है इससे आपका आर्टेरियल फिब्रिलेशन को मेंटेन किया जाता है, साथ ही
आपकी हार्ट की एबिलिटी को बढ़ाकर आपको चलने और एक्सरसाइज की एबिलिटी बढ़ाती है। इन अदरवाइज हेल्थी इंडिविजुअल एस ए नोड इज एक्ट एज पेसमेकर फॉर द फॉलोइंग रीजन। ऑप्शन ए, इट प्रोड्यूस हाईएस्ट वोल्टेज। ऑप्शन बी, इट हैज हाईएस्ट इंटरनिक रेट ऑटोमेटिकली। ऑप्शन सी, इट इज लोकेटेड नियर ओपनिंग ऑफ लार्ज वेंस एट राइट एट्रियम। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी, इट हैज हाईएस्ट इंटरनिक रेट ऑटोमेटिकली। बीटा ब्लॉकर्स आर वेरी कॉमनली यूज ड्रग इन कार्डियक डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा ब्लॉकर। इनमें से बीटा ब्लॉकर मेडिसिन कौन सी है? ऑप्शन ए मैनिटोल, ऑप्शन बी थाम्बिटोल, ऑप्शन सी कर्विडोलोल, ऑप्शन डी प्रेडनिसोलोन। राइट आंसर ऑप्शन सी कर्विडोलोल। हार्ट इज सप्लाइड बाय कोरिनरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ कोरिनरी आर्टरी इज लिस्ट प्रोन टू कॉज MI। ऑप्शन ए RCA, ऑप्शन बी LAD, ऑप्शन सी LCX, ऑप्शन डी मार्जिन आर्टरी। राइट आंसर ऑप्शन डी मार्जिन आर्टरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्राइमरली डिक्रीज प्रीलोड। कौन सी मेडिसिन है जो हार्ट के प्रीलोड को कम करती है? ऑप्शन ए नाइट्रेट्स, ऑप्शन बी हाइड्रोलाइजिन, ऑप्शन सी निफिडिपिन, ऑप्शन डी IV फ्लूड बोलस इन्फ्यूजन। ऑप्शन ए नाइट्रेट्स। आइडेंटिफाई द ड्रग विच इज पोटेंट RTO डायलेटर एंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बोथ CHF एंड एलोपेसिया। ऑप्शन ए सिलिंडिपिन, ऑप्शन बी क्लोनिडिन, ऑप्शन सी मिनोक्सिडिल, ऑप्शन डी मैनिटोल, ऑप्शन सी मिनोक्सिडिल। डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इंडिकेट द डिक्रीज इन ट्यूबरक्लोसिस प्रॉब्लम इन इंडिया। ऑप्शन ए इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन बी प्रिविलेंस ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन सी एविडेंस ऑफ डिजीज, ऑप्शन सी इंसिडेंस ऑफ डिजीज, ऑप्शन डी प्रिविलेंस ऑफ डिजीज। ऑप्शन ए इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन। विच टाइप ऑफ सैंपल कैन बी यूज टू आइसोलेट पोलियो वायरस ईयर लिस्ट। ऑप्शन ए स्टूल, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी थ्रोट, ऑप्शन डी CSF। राइट आंसर ऑप्शन ए स्टूल। All are true about Salk vaccine except option A, it prevents paralysis, option B, oral polio can be given as booster, option C, it is contraindicated in immune compromised patients, option D, easily transported, option C, it is contraindicated in immune compromised patients. सेडलबैक फीवर इज नॉन एज। सेडलबैक फीवर कौन सी बीमारी को बोलते हैं? ऑप्शन ए ब्रूसेलोसिस, ऑप्शन बी डेंगू फीवर, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी टाइफाइड फीवर। राइट आंसर ऑप्शन बी डेंगू फीवर को सेडलबैक फीवर भी बोलते हैं। WHO वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी ऑफ कैच अप कीप अप एंड फॉलो अप हैज बीन डिजाइंड फॉर। ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। ऑप्शन ए मीजल्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लड बोर्न इन्फेक्शन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ई, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस जी। राइट आंसर ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ई।
इन विच ऑफ दिस कंडीशंस इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस नॉट यूजफुल? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी पर्टुसिस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। राइट आंसर ऑप्शन सी पर्टुसिस। आइसबर्ग फेनोमेना इज नॉट सीन इन? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी पोलियोमेलाइटिस, ऑप्शन डी मीजल्स। ऑप्शन डी मीजल्स। दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो दिया था उसका आंसर हम देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर एब्जॉर्बेबल सूचर एक्सेप्ट, इनमें से ऐसा कौन सा सूचर है जो एब्जॉर्ब नहीं होता है? ऑप्शन ए कैटगट, ऑप्शन बी वाइक्रल, ऑप्शन सी नाइलॉन, ऑप्शन डी मोनोक्रिल। इसका राइट आंसर है नाइलॉन जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता है, बाकी कैटगट है, वाइक्रल है और मोनोक्रिल है, ये कुछ समय में अपनी स्किन में ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इनको काटने की ज़रूरत नहीं होती है, निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों लाइक तो ज़रूर करिए। थैंक यू, गुड बाय।